अच्छा ड्राइव ऑन साइड में कहते हैं ये लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिलता हुआ गेंद बढ़िया डिफेंस ब्लॉक के दिशा में गेंद को फील्ड किया गया कोई रन नहीं क्योंकि स्कोर की बात कर रहे थे इस समय स्कोर 12 रनों पर शुरुआत अभी भी थोड़ी सी बैलेंस में अगर देखें तो बना के चलते हुए थोड़ा सा स्लो लेकिन 40 ओवरों का मैच बड़ा मैच और बड़ी पारी खेलने के शायद इरादे से दोनों बैट्समैन रॉबो की गेंद अच्छी गेंद शॉट पिच बॉल फ्रंट फुट पर है बढ़िया डिफेंस किया बैट्समैन ने बहुत रूम अपने बाई तरफ जाके गेंद को फील्ड किया कोई रन नहीं पिछली गेंद पर अभी भी देखा जाए तो दो खिलाड़ी जो सिक्स के दायरे के बाहर है एक डीप थर्ड मैन बाउंड्री और एक डीप पेपर स्कोरिंग अंपायर के ठीक पीछे वहां पर इस तरीके से अभी भी फील्डिंग में थोड़ी सी आक्रमक लगा के रखते हुए इस समय गेंदबाजी में केशव राघव बॉलिंग करते हुए स्पिन का ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं और इसे भी स्लैश किया है थोड़ी हवा में थी लेकिन
दिल्ली के खिलाड़ी से ऊपर की ओर गेंद निकली डीप फॉर्मेट की ओर, जहां पर खिलाड़ी जरूर थे वहां पर गेंद को फील किया गया, एक रन और मिला। इसी एक रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 13 रनों पर। बाएं और दाएं हाथ के बैट्समैन इस समय क्रीज पर, इस समय स्ट्राइक पे है बाएं हाथ के बैट्समैन। गेंद बॉल और बैक ड्राइव फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया शिलाउट राणा के साथ। एस बिस्ट इस समय बैटिंग कर रहे हैं, चार गेंदे हुई है इसमें एक सिंगल आया, तीन गेंदे दौड़ रही है, मैंने ओवर भी डाला था इससे पहले। गेंदबाज किशोर राघव ने 40 ओवरों का ये मैच और इसे पीछे के लिए गेंद शॉट बॉल क्या वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को रोक पाएंगे छीन लेंगे टप्पे के साथ, गेंद बढ़ गया के बाहर चार रन। पहला ये चौका आता हुआ मैक्सिमम शॉट के लिए, छोटी गेंद थी और बैक फुट पे जाके बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को पुल किया, एक टप्पे के साथ गेंद लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्टाइल की दिशा से चार रनों के लिए जाती हुई। और इस बार खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर है, ब्यूटीफुल शॉट, वो लवली टाइमिंग, एक और चौका यहां पर आता हुआ, बैक टू बैक दो चौके इस ओवर में लगाया है बैट्समैन ने। रिस्ट ने अगर देखे तो कमाल की बैटिंग। वही राकेश राघव के ओवर की बात करने से पहले उन्होंने एक मैडम भी डाला था, लेकिन इस बार दो बेहतरीन गेंद बैट्समैन के लिए और दोनों ही गेंद तो मेरा बॉडी लाइन के बाहर चार रनों के लिए। तो ओवर समाप्त हुआ है, बहुत ही बड़ा ओवर जिसमें दो चौके आए और एक सिंगल स्कोर इस ओवर के 9 रनों के साथ जा पहुंचा है अब तक 5 ओवर की समाप्ति पर 21 रन, 21 विदाउट लॉस आफ्टर 5 ओवर। स्पार लेग स्टंप से बाहर और वाइड बॉल, उद्धव शर्मा बॉलिंग कर रहे अपने तीसरे ओवर में, 22 रन इस वक्त। गेंद इस बार थोड़ी सी ऊपर की ओर गेंद कर दी, हल्के से गेंद को टर्न किया, शॉर्ट फॉरवर्ड लेग पर रन तेजी के साथ दौड़े हैं और पूरा भी कर लेंगे यहां पर बैट्समैन चिराग राणा। इस बार थोड़ी सी बाहर की तरफ गए, लाइनअप बना के बॉलिंग कर रहे हैं, बेहतरीन बॉलिंग रही है अब तक उद्धव शर्मा, ऑफ स्पिन की गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लाइट में ज्यादा विश्वास उनको इस अपने गेंदबाजी में।
गेंद को स्क्वायर कट किया है, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जा रही है, वहां पर है ऑलरेडी एक खिलाड़ी मौजूद है, एक सिंगल के साथ स्कोर अब जा पहुंचा इस समय 24 रनों पर। इसे फ्लाइट के बॉल आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था बैट्समैन को मैक्सिमम के लिए, लेकिन बढ़िया फील्डिंग प्लेस में लगा के रखे अपने बॉलिंग पे। और इस समय आप देखें तो जमाल, और इसी बीच पारी किनारे पे लगी है गेंद, डायमंड बॉडी की दिशा में गई है, और इससे पहले की फंबल हुई थी गेंद, लेकिन एक रन और मिला है। और यहां से अब ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर के बाद स्कोर है 25 रन बगैर किसी नुकसान पे, 25 विदाउट लॉस आफ्टर 6 ओवर। टूर्नामेंट को जहां आप यहां से घरों पे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन भी रहे हैं, वही क्रिकेट रोज पे लाइव स्कोरिंग के साथ वीडियो विद कमेंट्री आप देख सकते हैं। तो जुड़े इस समय इस मैच के साथ, इस टूर्नामेंट के साथ जो पहला आज का यह मुकाबला खेला जा रहा है BS क्रिकेट एकेडमी वर्सेस, अगर आप देखें तो ब्राइट इनोवेटिव क्रिकेट एकेडमी के बीच ये मैच है, और अब तक 6 ओवरों के बाद स्कोर है 25 रन। बॉलिंग में क्या ये परिवर्तन किया जाएगा, आदित्य कृष्ण आए हैं अगले बॉलर्स। और पहली गेंद को टॉस पे लेके खेला है, टॉस के हिसाब में अभी भी हल्की हवाएं चल रही है, सर्द मौसम, लेकिन क्रिकेट का और सर्दियों का तो बहुत ही गहरा नाता रहा है। और मैदान में इस समय बहुत ही बढ़िया द्वंद यानी बैटल चल रही है दो टीमों के बीच में। ठीक है, शॉर्ट पिच बॉल, फ्रंट फुट पैक, इनकी लाइन में आके खेला हुआ स्ट्रोक, बॉलर बैटराइल और पिच के दाहिनी तरफ जाके गेंद को फील्ड कर रहे हैं आदित्य कृष्णा, रन की कोई संभावना नहीं। विकेट कीपर के नजदीक सर्कल में एक शॉर्ट फैट मैन, और इसके अलावा पॉइंट कवर मिडॉप कोई लॉबॉप नहीं, ऑन साइड में मिडॉप के अलावा एक शॉर्ट फॉरवर्ड लेकर थोड़ा सा मैं समझता हूँ व्हाइट खड़े अंपायर के बगल, और एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। आदित्य कृष्णा की गेंद प्लेयर स्टंप को छूटती हुई बॉल, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा, स्मैच पे अंपायर सौरभ चौधरी, जहां बॉलिंग सिरे पे वही मौके लेकर स्क्वायर लेकर वही बॉलिंग सिरे पे है राहुल जी,
experienced umpire और हमारा ऑफिशियल डिजिटल स्कोर शाकिर भाई के साथ में संजय बबलू। सिस्टम से टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में विकेट कीपर कदीन अभी तो अच्छा घटा है। बैट्समैन इस समय चिराग राणा स्ट्राइक में 8 रन बनाए 17 गेंदों पर 1 चौके लगाए और दूसरी तरफ थोड़े से तेज एस विस्ट 15-22 गेंदों पर जिन्होंने 3 चौका लगाया अब तक। ठीक है बढ़िया लेंथ और बढ़िया लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे आदित्य कृष्णा। वॉरियर्स कप की शुरुआत अंडर 19 का एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट इसकी शुरुआत ठीक आज से हुई है। निकल के आए कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन लेंथ की बात कर रहे इस ओवर में तो कमाल की लेंथ कर रहे हैं अब तक ज्यादा रूम नहीं दिया बैट्समैन को जहां खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है बैट्समैन को। इस बार ऑफिसर से बाहर की ये गेंद स्टीयर किया गली की दिशा में फिर हुआ उत्पल शर्मा के द्वारा बढ़िया कमाल का ओवर 7 ओवर 26 रन। आदित्य कृष्णा की बात करें तो इस ओवर में केवल 1 रन दिया है। ये कैसा ओवर आया था जो चौथा हुआ था तो चौके लगाए थे वहां पर विश ने उसके पास से अंकुश यानी रनों पर रोका है बढ़िया रखा है अभी तक वही अभी भी पहली पारी में राइट की बात करें तो 26 रन बनाए उन्होंने अब तक। केशव राघव इससे पहले दूर वाले थ्रो से बॉलिंग कर रहे थे इस समय केशव ने इससे पहले सादा पहले इनिंग से बॉलिंग की थी 3 ओवर की गेंदबाजी और इस बार बीएसपी हिट से उनको बॉलिंग के लिए कप्तान ने इन चेंज करवाया है और देखना इसे हिट से कितना किफायती रहते हैं। फ्लाइटेड बॉल फुल टॉस पे लिया गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में रन के लिए दौड़ पड़े जैसे ही शॉट खेला और रन भी पूरा कर लिया 27 रन हो चुके हैं इस वक्त।
She gained punch kiya short cover par. तलाई में सारे गेंद को टर्न कर दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में, एक रन और मिलता हुआ। अच्छी गेंद, शॉट बढ़िया था, बिड़ा पर फील्ड हुआ लेकिन कोई नहीं। स्टार बॉलर के ऊपर से खेला है बेहतरीन तरीके से वहां पर, लेकिन कोई रन नहीं और इसी के साथ ये ओवर का समाप्त हुआ है। आठ ओवरों के बाद 28 रन इस वक्त बगैर किसी नुकसान पे, बहुत ही शानदार मुकाबला आपके बीच ये जो आप देख रहे हैं। आज ये पहला दिन इस टूर्नामेंट का और पहले दिन के मुकाबले में दो बहुत ही अच्छी टीमें अगर आप देखें तो डीएस क्रिकेट अकेडमी गाजियाबाद, दूसरी तरफ ब्राइट इनोवेटिव टीम ग्रेटर नोएडा, और इस मुकाबले में गाजियाबाद की टीम ने पहले बॉलिंग करते हुए रायपुर की टीम का फैसला काफी हद तक मैं मानता हूं कि विकेट भले ही ना ले लेकिन रनों को रोक के रखा है। और इस बीच एक और ओवर परिवर्तन के तौर पर बॉलिंग करने के लिए आए हैं किनारा लगा था, एच लगा था, विकेट कीपर से कैच छूटा है, ये मौका जो बना था अब तक इस मुकाबले में इस मौके को गवाया है। बढ़िया गेंद आदित्य कृष्णा की, पहली गेंद शायद विकेट मिल सकता था, डाइव लगाई विकेट कीपर ने अपने बाई तरफ दाई तरफ, इसके बावजूद भी गेंद उनके दास्ताने में आई नहीं और इसी के साथ एक अच्छी गेंद। गेंद बढ़िया गेंद, खुद को मोड़े हुए गेंद को खेलना चाहते थे कवर की दिशा में लेकिन वहां पर टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं कर पाए आदित्य कृष्णा का। ये दूसरा ओवर वही पारी की तरफ से नौ ओवर फेंका जा रहा है, बढ़िया मुकाबला
अभी तक ये दूसरा पावर प्ले चलता हुआ। आगे निकलता है बढ़िया मुका अपना बैटर बॉल पे बीच में, लेकिन हल्के से गेंद को टर्न कर दिया। तो दूसरा पावर प्ले जो चल रहा है जिसमें चार खिलाड़ी थर्टी यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं, और इस मुकाबले में अभी भी जो चार नजर आ रहे हैं वो एक थ्री विकेट बाउंड्री लाइन की दिशा में और एक लॉन्ग लेग और वही एक डीप थर्ड मैन के अलावा एक सुपर कवर बाउंड्री लाइन पे आदित्य कृष्णा इस समय स्पेल का दूसरा ओवर टीम की तरफ से नौ ओवर डालते हुए। आगे निकल के आए जैसे ही देखा कि थोड़ी सी बैट्समैन आगे सफल करके आ रहे थे, गेंद को थोड़ा सा स्विंग किया और शायद बैट्समैन को लगी है इस समय चोट, और अंपायर भी जाके देख रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी सी तेज लगी हुई है, लेकिन एक रन जरूर मिला है वहां पर। सर्द मौसम और ऐसे मौसम में अगर चोट लगती है थोड़ा सा परेशानी और बढ़ जाती है, बावजूद शायद फिर से फिट है और तैयार हो रहे हैं खेलने के लिए। आदित्य कृष्णा विश्व के लिए और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद तो खेला है कवर की दिशा में, सुपर कवर पर खिलाड़ी ने गेंद को फील किया, एक खूबसूरत शॉट, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। दाएं और बाएं हाथ के बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस समय बैटिंग कर रही है टीम ब्राइट इनोवेटिव टीम ब्रिटेन नोडा की ये टीम। हालांकि डीएस क्रिकेट अकेडमी के कैप्टन ने टॉस जीता था पहले और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में एक मौका पिछले ओवर में बना था, तो मौका गंवाया है। और इस बार आगे निकल के आए बॉलर को ऊपर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाला, गेंद के पीछे दौड़ा खिलाड़ी क्या गेंद रुक पाएगी, जीने गेंद बॉलिंग आगे बढ़ा चार रन, एक बेहतरीन स्ट्रोक के साथ खेला हुआ बॉलर को ऊपर से ये शॉट, और निश्चित तौर पर कदमों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके आगे आए थे और उसके द्वारा खेला गया शॉट, कोई भी मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, गेंद बॉलिंग आने के बाद चार रनों के साथ ही ये ओवर समाप्त हुआ और इसी के साथ नौ ओवर के बाद स्कोर है 34 रन बगैर किसी नुकसान पे 34 विदाउट लॉस आफ्टर 9 ओवर। इस समय अगर आप देखें तो ये सेकंड पावर प्ले के दौरान थोड़े से बैट्समैनों ने अपने रिस्की बॉटम हैंड को खोला है और थोड़ा सा जोखिम भरे शॉट, लेकिन ये तो बहुत ही टेक्निकल और कलात्मक शॉट था, टाइमिंग के साथ खेला गया और यहां पे इस ओवर के आखिरी बॉल पे चौका लगा के या चिराग राणा की बात कर ले तो उन्होंने भी बढ़िया बैटिंग की। हालांकि इस समय विष्ट है नॉन स्ट्राइक पे, चिराग राणा है नॉन स्ट्राइक पे, विष्ट स्ट्राइक पे ले गए, तो चिराग राणा का वो शॉट जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, बढ़िया शॉट लगाया था, लेकिन विष्ट ने भी कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव लगाई, इस समय स्ट्राइक पे है और एक और ओवर लेके आते हुए इस एंड से यहां पर गेंदबाज केशव राघव। और एक बार फिर से उसी अंदाज पे खेला है, लेकिन इस बार दाहिने हाथ के बैट्समैन ने नहीं बाएं हाथ के बैट्समैन ने, ओ माय गॉड कंसेक्यूटिव शॉट, और दोनों ही शॉट को देखे तो एक्शन रिप्ले, यहां इससे पहले वाले ओवर में चिराग राणा ने बिल्कुल इसी तरह का शॉट खेला था दाहिने हाथ के बैट्समैन ने।
क्रिस डेब्यू वही ऐसा ही शॉट खेला, बिल्कुल स्ट्रेट बॉल के ऊपर से एक टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन, और अब स्कोर जब पहुंचा है 38 रनों पर। ये पारी का अगर देखें तो 10 ओवर फेंका जा रहा है, एक समय 6 ओवर में 26 रन था बगैर किसी नुकसान के, लेकिन अगले 3 ओवर में अच्छे खासे रन बनाया है टीम ने। फिर से खूबसूरत शॉट, थोड़ी सी गेंद फंपल हुई है लेकिन मुझे आपको खिलाड़ी जा रहे हैं पूरा क्या तैयार का भी पास हो सके रो पाए तो बड़ा लवली रनिंग गुड विद द कैच इज द ब्यूटीफुल रनिंग गुड विद द विकेट, और ये आंखों ही आंखों में इशारा करके दूसरा रन भी पूरा कर लिया, और इसी दो रनों के साथ अब टीम की रन संख्या यहां पे जा पहुंची है 40 रनों पर। बहुत ही बेहतरीन ये दौड़ लगाई विकेटों के बीच में दोनों ही बैट्समैनों ने। और एक बार फुल टॉस पर लेके खेला गया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली थिंग, ब्यूटीफुल शॉट, और गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया इस बार मिड विकेट और लॉन्ग बॉल के बीच से, एक बेहतरीन शॉट इस मैच का, अब तक का ये सबसे बड़ा शॉट कह सकते हैं, मैक्सिमम 6 रनों के लिए, और ये आज की पारी का पहला ऐसा शॉट जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं। बाकी इससे पहले भी उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाया था, शायद आंखें जम चुकी है, गेंद फुटबॉल जैसे नजर आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बार गेम को निकाला है लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रनों के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक एस विस्ट के द्वारा, और सीधे गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। किशोर राघव की बात कर ले, अब तक 5 ओवर में एक मेडन डालते हुए, इससे पहले उनका दूसरा ओवर जो था पारी का दोनों एंड का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे जैसे अपना ज्यादा ओवर कर रहे उतना ही असर कम होता जा रहा है, लेकिन विस्ट एक बार फिर तैयार हो रहे हैं किशोर राघव की गेंद को सामना करने के लिए। एक बॉल का इशारा किया अंपायर ने, शायद तैयार नहीं थे बैट्समैन, और यही कारण रहा कि अंपायर ने उसे डेड बॉल करार दिया। और इस बार खूबसूरत कवर ड्राइव का सिंपल बॉल के अंदाज में गेंद को फील किया गया है लगातार। इसके बैटिंग की बात करें, अब तक उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेले हैं, खूबसूरत शॉट लगाया उन्होंने, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, प्यारा बहुत ही शानदार रहा है, मौसम सर्द है लेकिन माहौल को गर्म कर दिया अपने बल्लेबाजी के द्वारा दोनों ही बैट्समैन ने, एक सिंगल और स्कोर इसी के साथ 47 रन 10 ओवर के दौरान। वे आर इन ओवर नंबर 10 और टोटल स्कोर की बात कर ले तो 47 रन, बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अच्छी गेंद थी, ऊपर की ओर गेंद की थी, छोटी गेंद कह सकते हैं, शॉट मिस किया और फ्रंट फुट जाकर उस गेंद को होते से खेला, डिफ्लेक्ट कर दिया, कवर की दिशा में कोई रन नहीं कोई नुकसान। 47 रन अब तक बनाए गए हैं दोनों बैट्समैनों के द्वारा, 30 में खेल रहे विश्व और सिद्धार्थ राणा, 14 रन बना के खेल रहे 28 गेंदों पर, स्ट्राइक करने से महकेश और राघव 40 रन में अपनी गेंद लेकर। गेंद अच्छी गेंद थी, फिर से उसी दिशा में खेला, अच्छा डिफेंसिव स्ट्रोक, कोई रन नहीं कुछ नहीं गेंद पर भी, और किसी के साथ अगर आप देखिए तो ओवर यहां पे समाप्त हुआ 10 ओवरों के बाद। स्कोर है 47, एक चौका जमा आया इस ओवर में, वही एक बहुत ही खूबसूरत छक्का भी लगाया था विश्व ने, और इसी के साथ 10 ओवर 47 रन, यहां से अगर आप देखें तो 40 ओवरों के मुकाबले में यहां पर अब तक 10 ओवर में रन बना
या 47 रन, या बॉलिंग में परिवर्तन किया जाएगा या आदित्य कृष्णा एक और रन लेके आएंगे। लेकिन अब तक के मैचों में बहुत ही अच्छी अंपायरिंग स्कोरिंग और क्या आपको कमेंट्री अच्छी लग रही है, लेकिन सर्दियों के इस मौसम में अभी तक फील्डिंग करना भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपने आप को वार्म अप कर लेते हैं खिलाड़ी। सर्द मौसम है और जो उसके बैटिंग बहुत ही शानदार होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आदित्य कृष्णा एक और ओवर लेके आते हुए एक मौका जो मिला था विकेट कीपर के द्वारा जरूर छूटा था, उसके बाद कोई हाफ चांस भी नहीं मिला है। बैट्समैन दाहिने हाथ के बैट्समैन केशव इस समय स्ट्राइक पे है, पहली गेंद पर बहुत ही शानदार कैच किया था। आगे निकल के आए बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद पर बैठ के मिडाउन पर गेंद गई है, पहला रन यहां से अपने खाते की शुरुआत कर दे रहे हैं। ओपन द काउंट विद द सिंगल और स्कोर हो चुका है टीम का 48 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। आज का ये पहला इनॉग्रेशन मुकाबला और इस मुकाबले में अब तक ग्रेटर नोएडा की टीम राइट इनोवेटिव से नीचे आगे निकल गया ये गेंद चिराग राणा जिन्होंने अब लिया जिन्होंने अब है खाना के अभर गेंद को है पाता जाना, शायद ऐसा लग रहा है उनकी बैटिंग से। और पिछले दो तीन ओवर से थोड़ा तेज खेलते हुए वही काम कर रहे थे विश्व, लेकिन एक रन के साथ टीम की जनसंख्या 49 तरीके से गेंद को निकाला है
जो कमर के बीच से सीधे गेंद लाइन पर और दो गेंदें खेली, दोनों बहुत ही बढ़िया टेक्निकली अगर आप बात कर रहे हैं, टेक्निकली यानी कि जो क्लासिकली बैट्समैन दिख रहे हैं यहाँ पर बैट्समैन केशव, दोनों शॉट बहुत ही टेम्परामेंट के साथ खेले हैं, बिजी प्लेयर है जैसे कि उनके कोच ने भी बताया, इंतजार करते हैं और बड़ा लेट खेलते हैं। स्कोर 50 पूरे हो गए इसी के साथ यहाँ पर ब्राइट इनोवेटिव ने यहाँ पर 50 रन पूरे हुए एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार फुल टॉस पे लेके गेंद को निकाला, गेंद दौड़ी लाइन की दिशा में जा रही है, कोई खिलाड़ी मौजूद है, मैंने सोचा गेंद रुका के दौड़ी लाइन के पहले और इसी के साथ गेंद दौड़ी लाइन के बाद चार रन, गलत था ये शॉट और गेंद को भेजा है दौड़ी लाइन के बाहर और ये खूबसूरत चौका लगा दिया बैट्समैन चिराग राणा। मुझे तो लग रहा है इन्होंने है ठाना कि हर बॉल को बाहर ही जाना जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और स्कोर जहां पहुंचा है यहां पर 54 रनों पर। समाप्त हुआ, बॉलिंग की बात करें तो एक विकेट मिला इस ओवर में आदित्य कृष्णा को, लेकिन चौका भी आया बैटिंग साइड से, स्कोर हो चुका है इस समय 11 ओवर जाने के बाद 54 रन एक विकेट के नुकसान पे। क्या एक और परिवर्तन बॉलिंग में देखने को मिलेगा, मुझे तो लग रहा है कि शायद देखने को मिल सकता है, कप्तान के द्वारा एक और चेंज किया जाता हुआ इस समय और बॉलिंग में देखना है क्या स्पिन या इस बॉलर को इस्तेमाल करें, मुझे तो लग रहा है जिस तरह से एक्शन है और शायद ये स्पिन की बॉलिंग करेंगे। ऋतिक बहुत चाहे हैं अकेले बॉलर, पहली गेंद फ्लाइटेड बॉल ऋतिक के द्वारा बैट्समैन केशव के लिए, हालांकि उस गेंद को देख के रिकॉर्ड छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के पास, एक स्लिप और विकेट कीपर के नजदीक लगा रखा है और इसके अलावा और साइड में बाउंड्री लाइन पे केवल एक खिलाड़ी एक बैकवर्ड इसको बाउंड्री लाइन पे मौजूद है। एक और ब्रॉड बॉल फ्लाइट बॉल और इस बार आंखों आंखों में इशारा पूरा कर लिया किनारा, यानी कि एक रन पूरा कर लिया, स्कोर एक रन के साथ जा पहुंचा इस वक्त 55 रनों पर एक विकेट के नुकसान पे 55 रन, जबकि पारी का ये अगर देखें इनिंग का ये 12 ओवर फेंका रहा है, तीन बॉलें की है, तीनों फ्लाइट भैया स्पॉट पे डालते हुए बॉलिंग करते हुए ऋतिक वोट से इस समय। अच्छा
अच्छे गेंद चलाएंगे भी सारे गेंद पर मोड़ा है, देखना एक रन लेने के जाते हुए खतरा हो सकता था, जोखिम भरा ये रन कि पूरा कर लिया। एक और सिंगल स्कोर 56 पे जा पहुंचा इस वक्त। कृष्णा की एक गेंद फिर से फिर ये घूमने को बोलते हुए इस बार थोड़ा आक्रामक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कोई मुकाबला ठीक तरीके से बैट पे आ नहीं, गेंद फाइन लेग पे गई, एक रन और मिला और एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 58 रनों पर। शॉर्ट बॉल पुल किया है डीप बैकवर्ड स्कोर की दिशा में, गेंद को फील्ड किया जा रहा है, एक रन के साथ स्कोर अब 59 पे जा पहुंचा है। दोनों बैट्समैन इस समय दाहिने हाथ के बैट्समैन, लेकिन इससे पहले जो बैट्समैन आउट हुए थे बाएं हाथ के बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, छक्का भी लगाया था उन्होंने और इस पारी का अब तक एकमात्र सिक्स लगाया गया है। स्टार्ट राइट बॉल
थोड़ी सी धीमी गति की फेंकी गई वहां पर बैट्समैन चिराग राणा के लिए प्रॉब्लम नहीं पिछली गेंद पर छह गेंदे हुई अब तक इस ओवर में तीन सिंगल और एक डॉट बॉल भी आगे निकल के आया देखना ये यहां पर एक बार के रूप में करना था हुआ अच्छी गई थी अच्छी कॉल और वहां से तेरह ओवरों के बाद स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर और मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया था छह के लिए और कलात्मक बैट्समैन है। टेक्निकली अगर आप देखें तो काफी बुक स्टाइल में शॉट खेल रहे थे जहां एस विश तो वही इस समय स्ट्राइक पे है चिराग राणा और बॉलिंग में कौन ओवर ऋतिक वत्स के द्वारा 61 रन 13 ओवर के बाद और इतने ओवर की शुरुआत होती हुई ड्रॉप के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पे भेजा जा रहा है गली पे लेके बहुत ही खूबसूरत ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेकिन ऐसे कोई रन नहीं थोड़ी ज्यादा फ्लाइट करा रहे बॉल को उस पार छोटी गेंद इस बार थोड़ी सी खींची हुई गेंद और बढ़िया वहां पर डिफेंस किया बैट्समैन राणा ने 31 रन बना के खेल रहे हैं लेकिन अभी भी टीम की लीडिंग स्कोरर है एस विश जिन्होंने क्या आज पारी के लिए छोटी नहीं लेकिन बहुत ही लाजवाब रही है काफी से अच्छी गेंद लगातार टप्पा बहुत ही अच्छा डाल रहे इस समय और ये एक स्पिन गेंदबाज की खास बात होती है कि आप टप्पा नहीं छोड़ना चाहिए वही कर रहे हैं ज्यादा स्ट्रोक के लिए जगह नहीं दे रहे बैट्समैन को इस समय ऋतिक वत्स फ्लैकेट का बॉल और कब में अच्छा इस्तेमाल किया गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक रन पूरा किया है और एक ही रन से संतोष महतो तो खिलाड़ी मौजूद है और इसी एक रन के साथ अब स्कोर ड्रॉ पहुंचा है 62 रनों पर सिंगल आया चौथी बॉल पे तीन गेंदें डॉट की थी और इस गेंद पे तो कदमों का अच्छा इस्तेमाल करके वहां पर खेला था बैट्समैन ने कई बार आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता वही किया है समय स्ट्राइक पे केशव छोटी गेंद टप्पा बहुत ही अच्छा फ्रंट फुट पे आके गेंद को ड्राइव किया कोई रन नहीं इस ओवर से एक रन और वही अगर देखे तो अभी भी एक गेंद आना शेष अच्छी गेंद डॉट बॉल बढ़िया ओवर एक रन आया
14 ओवर जाने के बाद स्कोर 62 रनों पर 47 रन था 10 ओवरों में, 6 ओवर में 26 रन था और अब है 14 ओवर में 62 रन एक विकेट के नुकसान पर। आदित्य कृष्णा की गेंद, पहली गेंद ऑन साइड में, गेंद को खेला है फायदे की दिशा में, एक रन और मिलता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा 63 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। ऑफ साइड में इस समय अगर देखें तो विकेट कीपर के नजदीक कोई स्लिप नहीं और एक बिग थर्ड मैन बॉडी पॉइंट शॉर्ट कवर मिड आउट और एक सुपर कवर बॉडी लाइन के मौजूद है, वही लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के अंदर 30 गज के दायरे के अंदर और एक फाइनल का पौधर सर्कल के साथ एक डीप बैक और स्क्वायर के बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है आदित्य कृष्णा। किए गए पारी किनारा लगा लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, जो गलती की थी इससे पहले पांचवें ओवर के दौरान आदित्य कृष्णा की ही वो गेंद थी लेकिन यहां पर चिराग राणा का वो कैच छूटा था और यहां पे आउट हुआ बैट्समैन केश और दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त टीम ब्राइट इनोवेटिव टीम का और बैट्समैन आउट होकर जा रहे हैं इस समय केशव। हालांकि अगर आप देख रहे तो अभी भी ओपन करने के लिए आए थे बैट्समैन विश्व के साथ चिराग राणा अभी भी मौजूद है नॉन स्ट्राइकर इन पर। तो आदित्य कृष्णा की बहुत ही अच्छी बॉलिंग, जिस तरह से उनका बॉडी फिटनेस है जिस तरह से है मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन उसके बाद तो फिर भी अगर आप देखें तो बतौर जब गेंद को रिलीज करते हैं जब बॉल को डालते हैं तो उनका टक्कर बहुत ही अच्छा पड़ता है। ये कई बार एक्शन को देखें तो बहुत अच्छा नहीं लेकिन बॉल को जब डिलीवर करते हैं, बॉल जब रिलीज करते हैं तो वहां से बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, टप्पा बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए अब तक अपने स्पेल में 2 विकेट हासिल किया है। गजब की बॉलिंग करते हुए आदित्य कृष्णा टीम डीएस क्रिकेट एकेडमी गाजियाबाद के लिए। बैट्समैन श्रेष्ठ खन्ना क्या मुझे नजर आते हुए इस समय आदित्य कृष्णा एक और ओवर एक और बॉलिंग करते हुए बढ़िया बॉलिंग 2 विकेट लिए हैं। फिर से फुल टॉस पर रखे गेंद को रखा है, देखिए बॉल को जब रिलीज करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं और यही मैं बात कर रहा था इस ओवर के दौरान की जो उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ रही है वो उनकी रनअप की बात आप छोड़ दें तो उनका जो बॉलिंग डिलीवरी है वो बहुत ही अच्छा है और स्कोर भी हमारे मुस्कुरा रहे की बिल्कुल ठीक कहा आपने और इस ओवर में विकेट भी लिया है उन्होंने, इससे पहले विश्व का भी विकेट उन्होंने ही लिया था।
घर की तरफ आई कैन विस्फोट की अपील लेकर माधव चौधरी पानी खड़ा हो अब तक रहा है इस वक्त आदित्य कृष्णा का तो बैंक के मेंबर्स भी आए हैं मैच को इंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी होता है कि पेरेंट्स के लिए कितना एक बड़ी बात होती है अचीवमेंट होता है उनका लड़का अगर प्रमोद टंडन इस तरह की बॉलिंग कर रहा हो तो बच्चों को खुशी होती है लड्डू तो टूटते ही है और कहीं कहीं लड्डू भी पड़ते हैं और ये देखने आदित्य कृष्णा का क्या ये जलवा जारी रहेगा इस पारी के दौरान पहला बॉल यॉर्कर लेती है गेंद छड़ में डाली साइड में टर्न करना चाहते थे बैट के टॉप एज पर लगी थोड़ी देर हवा में लेकिन एक गलत ओवर रहा यहां पर आदित्य कृष्णा का एक विकेट लिया पिछले ओवर में 15 ओवर के बाद स्कोर है 63 दो विकेट के नुकसान पर 63 पर लगा सब टू आफ्टर 15 ओवर तो यहां से देखा जाए तो अब तक शुरुआत जहां 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं था 26 रन 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं था 47 रन लेकिन उसके अगले 5 ओवर में देखें तो बहुत अच्छी वापसी की है टीम डीएस क्रिकेट एकेडमी गाजियाबाद ने 2 विकेट लिए हैं और एक और ओवर लेके आते हैं उस समय ऋतिक वत्स और उनके सामने होंगे बैट्समैन चिराग राणा बॉल टप्पा तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है कमाल की बॉलिंग अब तक ऋतिक वत्स की रही है गेंद फाइनल के दिशा में गेंद तो होना है बिना बैट एंड सी वेरी सम एज ऑफ द बैट और लेग बाई ये अच्छा पैर क्लियरली डिसाइड सौरभ चौधरी है दिस इज द लेग बाई और इसी के साथ यहां पर ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद इस बार फिर से फ्लाइट बॉल अंदर की तरफ बॉल लेकर आया और फ्रंट फुट पे आके बैट और पैड को साथ में लाके सुपर सुरक्षात्मक ढंग से खेला गया स्ट्रोक कोई रन नहीं अब तक एक रन लेग बाई के रूप में इस ओवर में आया है ये गेंद अच्छी गेंद एक बार और सर लग रहा है जैसे स्लॉट होता है तो एरिया होता है उसको पिक कर लिया है टप्पे के साथ जो बॉल कर रहे हैं बड़ी कमाल की बॉलिंग आज तो मुझे लग रहा है क्या ये दूसरा बॉल दूसरा यानी हरभजन सिंह है और बहुत सारे ऑफ स्पिनर दूसरी बॉल जो कहते हैं बाहर की तरफ निकालते हैं वो बॉल डाली थी इसे बाहर की तरफ निकाली है ये बॉल गजब का ओवर एक और यहां पर ऋतिक वत्स का 16 ओवर 64 रन दो विकेट के नुकसान पर ओवर अब तक इससे पहले किए हैं 18 रन दिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर बैट्समैन इस समय स्ट्राइक पर है चिराग राणा
राधे के कृष्णा जिनकी मैं बात कर रहा था, दो विकेट में 18 रन लेकर 5 ओवर में। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, राइट ऑफ मीडियम पेस बॉलर है आदित्य कृष्णा, और इस गेंद को वहां पर हल्के से खेला बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील कर रहे हैं, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। बहुत ही शानदार वातावरण, बहुत ही शानदार माहौल इस समय स्टेडियम के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि धूप भले ही ना खिले लेकिन मौसम अभी भी मिजाज अच्छा है, और ऐसे मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को खेलना और दर्शकों को भी मैच देखना। गेंद फ्रंट फुट पे आके दूर करना चाहते थे लेकिन वहां से एक रन मिलता हुआ फायर की दिशा में, स्कोर यहां पहुंचा है 65 रनों पर, दो गेंदें हुई है, एक डॉट बॉल एक पे सिंगल आया इस समय आदित्य कृष्णा का, ये छठवां ओवर, अभी भी 19 रन दिए हैं, इस ओवर की दो गेंदें दो विकेट लिए, हालांकि वो कैच अगर पकड़ लिया जाता तो 3 विकेट होते इनके नाम। बहुत अच्छी गेंद थी, बैट का फेस खोलकर हल्के से चीकी एंड इजी एक सिंगल लिया, और इसी सिंगल के साथ अब स्ट्राइक। चिराग राणा के पास स्ट्राइक अब सिंगल के साथ 66 रन दो विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदें हुई है, पहली गेंद डॉट, दूसरे पे सिंगल जोकिंग 12 और तीसरी पे भी सिंगल। और इस बार फ्लाइट ज्यादा कर बैठे लेकिन सीधे गेंद को स्ट्रेट खेला है लॉन्ग आर्म की दिशा में, इससे पहले कि वहां पर गेंद को फील किया जाता है, दोनों बैट्समैनों के पास बहुत ही आसान से मौका था अपने छोर को बदलने के लिए, और आंखों ही आंखों में इशारा करके दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदल लिया और इसको इसी एक रन के साथ पहुंचा दिया। इस वक्त ब्राइट इनोवेटिव क्रिकेट अकेडमी ग्रेटर नोएडा का 67 रन दो विकेट के नुकसान पर, 25 पे खेल रहे चिराग राणा और एक रन पे खेलते हुए श्रेष्ठ खन्ना। चिकेट फ्रंटफुट पे बढ़िया ड्राइव लेकिन गैप में गेंद नहीं गई, सिंगल भी नहीं आया, लेकिन फील्डिंग की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम, और यहां से स्कोर में अगर आप देखें तो पारी का यह 17वां ओवर चल रहा है, 40 ओवर का मैच है, हालांकि शेड्यूल टाइम के हिसाब से मैच 8:30 बजे शुरू होना था लेकिन यह मैच 10:05 पे शुरू हुआ, जिसकी वजह से अंपायर और मैच रेफरी ने यह मैच ओवर रिड्यूस करके 40 ओवरों का कर दिया है। छोटी गेंद पुल किया, ये बैकवर्ड स्क्वायर की ओर से खिलाड़ी मौजूद है, एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ ओवर समाप्त हुआ, और यहां पे अगर आप देखें तो 17 ओवर जाने के बाद स्कोर है 68 रन दो विकेट के नुकसान पर, यानी इनिंग के आधे ओवर जब होंगे, 3 ओवर और अभी बाकी है, 20 ओवर की हम बात करें तो वहां से आप देखते हैं कि तीन जब 20 ओवर होते हैं तो कितना रन बना पाती है इस समय राइट इनोवेटिव की ये टीम, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक और ओवर लेकर आएंगे इस समय ऋतिक वत्स, जबकि अगर देखा जाए तो उनके स्पेल की बात करें तो अब तक 4 रन दिया है 3 ओवर में 1 मैडम रखते हुए, ये बड़ी उनकी इकोनॉमी की बात करने बहुत ही बढ़िया मुजाहरा किया है बॉलिंग में, ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी है, लेकिन ये देखना आपने 4th ओवर में क्या कर पाते हैं। स्ट्राइक पे है श्रेष्ठ खन्ना,
और इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई, बैटर बैट के बीच लंबा गया, बॉल हुआ, तीसरा विकेट गिरा और यहां से श्रेष्ठ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपना विकेट गवा के पवेलियन की ओर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर आप देखें तो ऋतिक वत्स की कितना बढ़िया टप्पा डाल रहे थे और ये मैं कमेंट्री के दौरान जो नए नए एकेडमी के बच्चे आते हैं जो टीन एज की उम्र में होते हैं मैं सिखाता रहता हूं, तो बोलते वक्त भी कि आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, टप्पा आप कहां डाल रहे हैं और जो स्पॉट इन्होंने पिक किया आपको याद होगा पिछले ओवर में मैंने कहा था इनके बॉलिंग में और टप्पा उन्होंने बहुत ही अच्छा रखा और दोनों बैट्समैन को आउट करके हैट्रिक के दरवाजे पे हैं। अगले बैट्समैन अक्षय है, हमारे महोदय शायद बता रहे हैं सौरभ जी अक्षय हैट्रिक के लिए थोड़ी सी फील्डिंग को और आक्रामक कर दिया है। आकाश है अगले बैट्समैन, चार विकेट खो चुकी है इस समय टीम हैट्रिक के मौके पर।
इशारा शायद तैयार नहीं थे बैट्समैन, थोड़ा दबाव तो रहता है जब दो बैट्समैन बैक टू बैक पवेलियन जाते हैं तो अगले बैट्समैन के ऊपर। लॉर्ड डफी खिलाड़ियों का जमावड़ा, लेकिन अंपायर ने उस अपील को ठुकराया, नॉट आउट करार दिया और ये जरूरी मामला भी अगर एक्शन की बात करते तो दिया सकते तो नहीं था, लेकिन गजब की बॉलिंग, श्रेष्ठ अंपायरिंग दोनों ने अंपायरों के द्वारा चाहे नामित चौधरी जी हो या श्रीमान रावत जी हो एक्सपीरियंस के साथ भरे हुए और बढ़िया डिसीजन जो भी रहा फैसला अंतिम और फैसला निर्णायक। अभी कोच के माध्यम से जानकारी आई है ऋतिक वत्स के विषय में, टीम मैनेजमेंट की तरफ से जानकारी आई है उत्तर प्रदेश अंडर 19 के ये बहुत ट्रॉफी भी खेल चुके हैं, बढ़िया प्लेटफॉर्म बड़ी क्रिकेट के लिए ये। डॉट डॉट बॉल पहुंचे अच्छी गेंद पे हल्के हाथों से गेंद पुश किया करके गेंद थर्ड मैन बॉल की दिशा में गेंद के पीछे दौड़ा खिलाड़ी, लेकिन गेंद बाहर और खिलाड़ी अंदर एक और चौका और इसी के साथ ही ओवर की आखिरी गेंद पे चौका लगा के टीम को रनों पर पहुंचा दिया है 72 रनों पर। आशुतोष शर्मा आए हैं नए गेंदबाज, पहली गेंद डॉट बॉल फ्लाइट बॉल अच्छे से खेला उसे शॉट विकेट की दिशा में, कोई रन नहीं, तीन स्पिन गेंदबाज लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी कलाई के सारे गेंद को बुला करना होने का मौका, लेकिन गेंद फंबल हुई खिलाड़ी फिसले लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 73 रनों पर। एक समय 10 ओवर में कोई विकेट नहीं 47 रन, लेकिन अगले 8 ओवर में देखें तो 4 विकेट।
सिविच अगली गेंद और स्टंप से बाहर कट किया पॉइंट की दिशा में, लेकिन वहां पे खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को फेल किया, कोई रन नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, मौसम भी थोड़ा सुहावना होता हुआ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल। इसी बीच अगली गेंद हल्के से खेला गली की दिशा में, लेकिन इससे पहले कि दोनों खिलाड़ी मामा चाहना एक रन पूरा कर लिया, इसी वजह के साथ 75 रनों पे जाम हो गया है। बढ़िया वापसी अगर आप देखते हैं तो चिराग राणा अभी भी मौजूद है, पिछले एक घंटे 15 मिनट से बैटिंग करते हुए ओपनिंग करने आए थे विस्ट के साथ और अभी भी क्रीज में मौजूद है। बढ़िया तरीके से खेला, फाइनल की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं, ड्रॉप बॉल। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफिसर की बाहर की गेंद को ड्रॉप किया, डीप रिकॉर्ड स्कोर लेकर देखिए फील्डिंग में कितना एनर्जी आ गई और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है। और यहां पे आप 19 ओवर जाने के बाद स्कोर है 75 रन, 75 आफ्टर 19 ओवर। ऋतिक वत्स एक और ओवर लेके आ रहे हैं, 20 ओवर की गेंदबाजी ऋतिक वत्स के द्वारा है जारी, क्या उनका कहर पड़ेगा और भारी, लेकिन इसमें तो भर रही है बेकरारी सर्द मौसम में, लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है अभी तक ऋतिक वत्स और आदित्य कृष्णा ने। दोनों ही गेंदबाजों ने दो विकेट लिए हैं और एक कैच अगर छोड़ दिया जाए, अगर वो होता तो शायद 3 विकेट होता आदित्य कृष्णा का, और यहां पे 5 विकेट मौजूद। तो वापस अच्छी के उसके बाद भी विकेट कीपर ने एक बढ़िया कैच लिया, जो इस समय टीम बीएस क्रिकेट एकेडमी गाजियाबाद के विकेट कीपर है। ऋतिक वत्स इस समय स्ट्राइक पे है, नॉन स्ट्राइक पे चिराग राणा। पहली बार ब्रेक थोड़ा सा ऑफ ब्रेक करने की कोशिश, तेज फेंकने की गोद में छोटी और इसी बीच अगली गेंद दूसरा रन के लिए डाला, वहां पर खिलाड़ी फंबल हुए और इसी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया, एक्सलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ, और यहां पर इन दो रनों के साथ स्कोर 77। छब्बीस रन पे खेल रहे हैं चिराग राणा, 7 रन पे आकाश, 7 गेंदों का इस्तेमाल किया है, 2 पे स्लिप। शॉर्ट रैकेट बॉल, रन चाहते थे चिराग, मना किया आकाश ने, अच्छी बॉल डॉट बॉल। तीसरी बॉल आवाज से निकली इस बॉल पे, भाग्यशाली रहे तो किनारा नहीं लगा, स्टंपिंग जरूर किया था विकेट कीपर ने, लेकिन सुरक्षित है बैट्समैन। अच्छी गेंद, थोड़ा खींची हुई बॉल, पीछे को रखा था बॉल और इसी के साथ ये डॉट बॉल, 3 गेंदे डॉट, पहली पे 2, स्कोर 77। 20वें ओवर की पारी का ये ओवर चल रहा है, स्पॉट
और फिर से बाहर की तरफ निकाली है गेंद, बढ़िया गेंद अगर फ्रॉम द राइट हैंड बैट्समैन। और तो इस तरीके से यहाँ पर इनिंग के आधे ओवर यानी कि 20वें ओवर की आखिरी बॉल लेके तैयार है ऋतिक वत्स और विंस के लिए तैयार है डर्मस्टॉप। भारत में फॉलो थ्रो में बहुत ही शानदार फील्डिंग, बड़ा बैक ड्राइव ओवर समाप्त, एक दो रन आए इस ओवर से। 20 ओवर जाने के बाद स्कोर 77-4 विकेट के नुकसान पर आज इस इनोग्रेशन मुकाबले में पहला ये सिटी हॉक्स के मैदान पे खेला जाता हुआ अंडर 19 का ये वॉरियर्स कप जिसमें डीएस क्रिकेट अकेडमी गाजियाबाद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए अब तक 77 रनों पर रोका है 20 ओवरों में 4 विकेट पर ब्राइट इनोवेटिव क्रिकेट टीम को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, धन्यवाद। Gracias.
सैसे पड़े तुम्हारे पास कॉफी सैसे कॉफी के सैसे हैं कॉफी के पैकेट for the loss of 4 wicket and we are over number 21st. 21st over mein. खिलाड़ी के हाथों में ट्रोलिंग पॉइंट जैसा कैच और ये तीसरा विकेट ऋतिक के द्वारा और इस मैच के दौरान पांचवा विकेट यानी आधी टीम पेड़ों के पत्तों से पतझड़ का मौसम तो मार्च के 22 तारीख के बाद आता है लेकिन इस समय इनिंग के दौरान तो ये देखने को मिला इस टीम पे वो मौसम आ गया पांचवा विकेट खोती हुई इस समय टीम राइट इनोवेटिव की टीम और तारीफ तो आदित्य कृष्णा के और तारीफ यहाँ पे
उस आगे की क्रम में जारी है ऋतिक वत्स की। दोनों ही गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की है और पांचवा विकेट हासिल कर लिया। चतुर्वेदी समय अगले दायरे आपके बैट्समैन। अभी तक इस पारी के दौरान केवल एक बैट्समैन बाएं हाथ का जो कि विश्व के द्वारा और वो टीम के अच्छे रन बनाते गए, लेकिन 31 रन के खेल में चिराग राणा। लेकिन अंदर की तरफ रहा ये गेंद, सुगेंद कितना बहुत ही अच्छा डाल रहे हैं ऋतिक विश्व। और इस समय अच्छी गेंद और बढ़िया गेंद, और इस बार बहुत ही दुर्बल तरीके से गेंद को स्टार कट किया। गेंद के पीछे दौड़े खिलाड़ी बॉन्डी लाइन पर पहले थी खूबसूरत फील्डिंग, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। बढ़िया गैप में खेला, इस बार भी दो रन मिलने की पूरी संभावना और पहला रन आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे और यही दो रन अब जहां टीम को मिले हैं। एक और ओवर आशुतोष शर्मा के द्वारा ये 23वां ओवर लेके आते हुए 5 विकेट खो चुके हैं, 87 रन बनाए हैं अब तक ब्रायन इनोवेटिव टीम ने। और इस समय अच्छी गेंद की कलाई के सारे गेंद को मोड़ा, वहां पर गेंद के बॉडी लैप पे गेंद को फील्ड किया गया खिलाड़ी के द्वारा, उसके उन्होंने गेंद को बहुत ही तेजी के साथ दौड़ कर एक रन की जो संभावना थी उसको समाप्त किया। यही होता है खिलाड़ियों के द्वारा बैटिंग। बैटिंग में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, लेकिन फील्डिंग लगातार दो गेंदों से बहुत ही बढ़िया टीम के लिए रन बचाते हुए खिलाड़ी। और वही चिराग राणा की जितनी भी तारीफ की जाए कम, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और इसी कुछ आगे निकल गए कदमों का इस्तेमाल करके, क्या खिलाड़ी गेंद के पीछे पहुंच पाएंगे? जी नहीं, दौड़ तो लगाई थी तेज, पहुंच नहीं पाए। एक सिंगल और आता हुआ, एक ही लाइन हो चुका इसको।
हर फ्लाइट के बॉल इंतजार किया, थोड़ा सा पीछे खिंची हुई बॉल स्पेन को खेला है सिंगल के साथ। एक रन बढ़िया के ओवर समाप्त हुआ यहां पर, इस बॉल पे कोई रन नहीं। अभी एक बॉल आनी शेष है, बढ़िया अंपायरिंग, जितनी भी तारीफ की जाए अंपायरों की कम इस मैच के दौरान। ओवर समाप्त हुआ, ओवर 90 रन 5 विकेट। और यहां पे ऋतिक वत्स की बात करें तो इन्होंने 6 ओवर में 14 रन दिया है और 3 कीमती विकेट लिए हैं ऋतिक ने। बढ़िया गेंद, खिलाड़ी को सारे मोड़ा, एक रन पूरा कर लिया, 91 रन। ऐसा लग रहा है आज सूर्य भगवान नजर आ सकते हैं, कुछ खिलाड़ी तो ऊपर भी देखने लगे, जिससे मैंने मैच से बोला ये जरूरत भी है, ऐसे ठंड में थोड़ा भी चाहिए अच्छा मैच। अच्छी गेंद थी, खुद पे जाके चिराग राणा, मुझे तो लग रहा है इन्होंने मन में ठाना कि पूरा है खेल के जाना। ये शायद अभी तो मुझे होगा जल्दीबाजी में बताना, ये तो वक्त ही बताएगा कितना वो देर खेलते हैं। इस ग्राउंड पर ही नहीं पूरे एनसीआर नोएडा में शायद दिखाई पड़ेगा आज, और कुछ ही लम्हों के बाद ये मौसम और भी सुहाना। एक अच्छी गेंद ऊपर की ओर गेंद को रखा था, बहुत ही अच्छी गेंद, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, और दूसरे रन चाहते थे लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। ऋतिक वत्स जो कि पेशे से लेग स्पिन की बॉलिंग करते हैं, आज उन्होंने कमाल कर दिया, लेग स्पिनर गेंदबाज ऋतिक वत्स ने जो लेग स्पिन करके अपनी जादुई गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को फंसाया। लेकिन फिर से उसी दिशा में खेला है, चलो काफी लेट, एक रन और मिलता हुआ, 93 आफ्टर 24 ओवर, 93 रन 24 ओवर के बाद, 93 रन 24 ओवर के बाद। रन अब तक
पहली पारी के दौरान बनाए गए हैं। इस वक्त ब्राइट इनोवेटिव टीम की तरफ से ग्रेटर नोएडा की ये टीम। वहीं टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला कप्तान डीएस क्रिकेट एकेडमी के द्वारा लिया गया। फैसला काफी हद तक ठीक, लेकिन ये मैच है और अभी भी 5 विकेट है। नीतीश राणा, जिनकी मैं तारीफ में 2 शब्द कहना चाहूंगा, ओपनिंग करने के लिए आए थे, मौजूद है क्रीज पर। विश्व के साथ जब ओपन करने के लिए आए थे, बढ़िया साझेदारी पहले विकेट को लेकर हुई थी। एक और अच्छा रन, दोनों ही खिलाड़ियों में तालमेल बहुत ही बढ़िया। सिंगल के साथ पिछले 2-3 ओवरों से रन को कंसीडेट कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। आशुतोष शर्मा दूर वाले छोर से एक और बॉल लेके आते हुए। बहुत अच्छी गेंदी बाहर निकलती हुई, गेंद को केवल दिशा भर दिया, गली की पोजीशन पर फील्ड हुई, एक और सिंगल। पिछले रन जितने भी आए 2 ओवरों से, सभी रन सिंगल के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस बार फिर से बाहर की तरफ लेग स्पिन जो कर आ रहे हैं आशुतोष शर्मा। बढ़िया गेंद और कैच नहीं ढूंढ पाए, बढ़िया फील्डिंग। लेकिन अच्छी गिनती आगे निकलते हैं, जल्दी खेला वहां पर, अच्छी कॉल। नीतीश राणा थोड़ा सा कुछ लग रहा है काफी अंदर आ चुके थे, लेकिन मना किया अच्छी समय स्ट्राइकर बैट्समैन ने। वापसी पहली गेंदों से सिंगल आ रहा था, लेकिन उसके बाद रोका रहा था पर। वहां पर बढ़िया तरीके से खेला, वहां से कोई नहीं। सिर्फ बीच पैदल सिर्फ करना चाहते थे, विकेट कीपर से गेंद छुटी है, बैटमैन बाउंड्री की ओर, गेंद क्या बाउंड्री लाइन के बाहर, बाई के रूप में ये चौथा आता हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
प्लान रखे लेकिन नॉट आउट करा दिया अंपायर ने। बढ़िया गेंद फ्लाई के बाद आगे निकल के खेला है लॉन्ग ऑन की पोजीशन पे, एक रन और मिला, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। और इसी के साथ टीम के 100 रन पूरे हुए, राइट इनोवा की टीम के 100 रन पूरे हुए। और सिस्टम से बाहर वाइड बॉल, अच्छा डिफेंस, बढ़िया डिफेंस किया है बैट्समैन ने। अच्छी गेंद, लाखों लाखों में इशारा करके रन के लिए जा रहे, देखना खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा लेट खिलाड़ी थोड़ा तेज, एक रन के साथ वह समाप्त हुआ। कुल रन संख्या 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आशुतोष शर्मा, ये गेंदती लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोके कर रहे दोनों बैट्समैन, बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। सिंगल और टूच के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे प्रणव पोला के आगे, इसी दौरान 103 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद की पीच तक पहुंच गए, स्पिन की मौत स्पिन को मॉर्चर किया, काउंटर किया, लेकिन वहां बैट पर नहीं गई थी, सीधे गेंद खिलाड़ी के द्वारा फेंक दी, कोई रन नहीं। डॉट बॉल, और इस बार फ्लाइट के या और गेंद को आगे निकल के खेला, देखना दो खिलाड़ी को बीच में गेंद जा रही, फील्डिंग बहुत ही अच्छी, दूसरे में खेले जा रहा, बैट जरूर छूटा और इसी के साथ रन पूरा कर लिया। चिरा जाना के लिए बढ़िया डिफेंस किया है बॉलर, बैक ड्राइव अपने फॉलो थ्रू में आशुतोष शर्मा ने जिनको फील्ड किया कोई रन। फील्डिंग की बात करें, कवर कवर एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ एक्सी पर कवर आउट साइड में है, इसी की जगह गेंद लेके जाते हुए और इस भारी अच्छी गेंद थी, बैट में जाके पंच किया, ग्राउंड पे फील्ड हुई है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑफ एक शॉर्ट में विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में एक शॉर्ट फॉरवर्ड लेग हुई है और एक मिनट बॉलिंग लाइन पर खिलाड़ी मौजूद। और इस बार आगे निकल के आए, कदमों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, कॉर्पोरेट के साथ खेला, ग्राउंड शॉट लॉन्ग ऑफ पे फील्ड हुई, एक रन और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है, इस समय ओवर की बात कर ले तो कुल मिला के
एंजॉय करना। और अब तक 27 ओवरों का खेल हो चुका है।